नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमएस वर्ड में बॉक्स कैसे बनाते हैं और उन बॉक्सों में कैलेंडर कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें एक टेबल का यूज करना है। यहाँ से हम बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कर लेते हैं ऑटोमेटिकली बॉक्स को सिलेक्ट। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक कैलेंडर। तो कैलेंडर बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कृतिदेव 010 और इसका हम साइज बड़ा कर लेते हैं। साइज हम ले लेते हैं 18। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर साइड हम इसे यहाँ से पकड़ के इसे नीचे कर लेंगे थोड़ा, और यहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे मंथ। जैसे अभी क्या चल रहा है, सितंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे सितंबर, हम हिंदी में लिख देते हैं। और इसका हम साइज कर देते हैं 30। इसे हम बोल्ड कर देते हैं और सेंटर में कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हम नीचे लिखना रो बाई रो, या अब हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से कॉलम में लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रविवार, उसके नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे हम। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कुछ एमएस ऑफिस में होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे ही हम नीचे वाले बॉक्स में आते हैं तो यह फॉन्ट को चेंज कर देता है। तो इस तरीके से अगर आपके सामने आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ जेड दबाना है, तो आपका जो लिखा हुआ है वो फिर से जैसा आपने लिखा है वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला लिखेंगे डे सोमवार। अभी देखिए सोमवार का हो गया सेम वार, फिर से हम कंट्रोल जेड करेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम मंगलवार। हर कॉलम में गलती होंगी, आपको कंट्रोल जेड करना है। अभी देखिए दोस्तों, हमने डे तो सभी लिख लिए, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। अब हम इसे क्या कर देंगे, बोल्ड कर देते हैं और अब हम इसे थोड़ा जस्टिफाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तारीख लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी रो में लिखना बताता हूँ। तो 1 तारीख अगर रविवार को चालू होंगी तो अगले वीक में क्या तारीख होंगी, तो दोस्तों इसके लिए अगले वीक में तारीख होंगी हमें 1 के साथ +7 करना है। तो अगर रविवार को पहले वीक में 1 तारीख है तो अगले रविवार को क्या होगी, 8 तारीख। फिर 8 में हम 7 को प्लस करेंगे तो 15 तारीख। फिर 15 में हम 7 को प्लस करेंगे तो 22 तारीख। और 22 में हम 7 को प्लस करेंगे तो 29 तारीख। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले दिन में। अगला दिन क्या है, सोमवार। पहले वीक में सोमवार को क्या तारीख पड़ी है, 2 तारीख। तो अगले वीक में सोमवार को क्या तारीख पड़ेंगे, 2 में हम 7 को प्लस करेंगे तो 9 तारीख। इसी तरीके से हम 9 में 7 को प्लस करेंगे तो 16 तारीख। और अगर आपने पहली रो को लिख लिया है तो आपको दूसरी रो लिखने में बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी। आपको कॉलम वाइज अपने कॉलम के हिसाब से सीरियल वाइज लिखते हुए चलना है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3, 10, 17, 24 सेप्टेम्बर, तो 30 का होता है तो यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28। तो दोस्तों इस तरीके से हम कैलेंडर बना सकते हैं। ये देखिए, अभी हमने अपना एक एमएस वर्ड में कैलेंडर तैयार कर लिया है। सितंबर का मंथ है और हमने लेफ्ट साइड में
पूरे कॉलम में डे लिख लिए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और सबसे हमने ऊपर से लिखना चालू किया है रो में तारीख। फर्स्ट तारीख को रविवार था, उसके बाद हम अगले वीक में देखेंगे रविवार को, किस तारीख को रविवार पड़ेगा, तो हमने 1 में +7 कर दिया, तो 8 तारीख को रविवार पड़ेगा सेकेंड वीक में। इसी तरीके से थर्ड वीक में 15 तारीख को रविवार पड़ेगा, चौथे वीक में 22 तारीख को रविवार पड़ेगा, और पांचवे वीक में 29 तारीख को रविवार पड़ेगा। यह पहली रो आपको सेट करना है, उसके बाद सीधे कॉलम में आपको सीरियल वाइज लिखते हुए चलना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कैलेंडर बना सकोगे, और बॉक्स इंसर्ट करना दोनों एक ही वीडियो में बन गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना हमें वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों।